शुरू, आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि हमारी एक भारत की कंपनी ने कोरोना वायरस का एक टीका ढूंढ लिया है। चलिए जानते हैं उनका क्या दावा है और उस कंपनी का नाम क्या है और उस कंपनी के चेयरमैन का क्या कहना है इस टीके के ऊपर, ये टीका कैसे प्रयोग किया जाएगा और ये टीका कब तक हमारे मार्केट में आ जाएगा, डॉक्टर्स के पास उपलब्ध हो जाएगा, उसके बारे में भी हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। अगर आप लोगों को जानकारी हमारी तरफ से अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए हम नई से नई अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाए, और एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, पूरी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि कोरोना वायरस का एक टीका बन चुका है जो कि हमारी भारत की कंपनी ने बनाया। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज बता दें कि हमारे जो भारत के संक्रमित लोगों के आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और उसी दौरान ही अभी ठीक भी काफी सारे लोग हो रहे हैं। पर अभी इस चीज को लेके हर लोगों के माइंड में एक ही सवाल है कि ये टीका, इसकी वैक्सीन कब बनेगी। अलग अलग देशों के डॉक्टर्स, जो वैज्ञानिक है, वो लगातार इसका टीका और जो इसका वैक्सीन है वो ढूंढने की कोशिश किए जा रहे हैं, और उसी दौरान ही काफी सारी जो कंट्रीज है वो दावा भी कर रही है कि उन्होंने बना दिया है। पर सबसे पहले हम लोग आपको ये चीज बता दें कि हमारी भारत की कंपनी ने, भारत बायोटेक उस कंपनी का नाम है, उनके चेयरमैन ने अभी ये चीज बताया है कि उन्होंने एक टीका बनाया है जिसका नाम है कोरोवैक। कोरोवैक उन्होंने टीका बना लिया है और इस टीके को उन्होंने अमेरिका की लैब में भेजा है क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज काफी ज्यादा है और वहां पर टेस्टिंग बहुत जल्दी हो सकती है, और वो लोग इसकी टेस्टिंग करनी भी शुरू कर दिए हैं। और जब तक इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, और इनको पूरा यकीन है कि ये टेस्टिंग होने के बाद जब आएगा तो ये टीका एकदम परफेक्ट रहेगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को कोरोना वायरस है, और ये जो टीका है नाक के जरिए दिया जाएगा और वो लोगों की क्षमता बढ़ाएगा और कोरोना वायरस से लड़ने की भी हिम्मत देगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी जान के हमारी तरफ से अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।